हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली हम अतुल प्रसाद का ट्विटर का जो है इनका उस पर है, और इन्होंने जो ट्वीट करके कहा है मतलब रिजल्ट के बारे में, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो आप लोग सावधान हो जाइए फ्रेंड्स, अगर आपका मार्क्स बन रहा है अच्छे खासे या जितना भी मार्क्स बन रहा है, पासिंग मार्क्स भी हो, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है। बीएड वाले है तो रिजल्ट थोड़ा टप जाएगा, लेकिन बीएड वाला नहीं हो तो रिजल्ट जो है बहुत ही लो पर उठा लिया जाएगा। इसलिए आप सभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो जाओ अभी से ही, क्योंकि समय बहुत ही कम है, समय जो है आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाली फ्रेंड्स, ये बात याद रख लीजिएगा। क्योंकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा है, जो कि मैं पिछले वीडियो में अपलोड भी किया है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात है कि आपका जो है 20 से 25 सितंबर को जो है रिजल्ट घोषित हो जाएगा उससे पहले ही, और 20 से 25 सितंबर का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आप सभी देखिए, आज सुबह सुबह एक घंटा पहले ही ट्वीट किया गया है कि TRA रिजल्ट विल बी डिक्लेयर इन फेजेज स्टार्टिंग विथ 11th, 12th, 9th, 10th देन प्राइमरी। कहने का मतलब यह है कि TRE जो है रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द डिक्लेयर करने वाले हैं इन्होंने, और पहले जो है आपका 11 से 12वीं क्लास के लिए होगा डिक्लेयर, फिर 9वीं से 10वीं का होगा, तब जाकर लास्ट में प्राइमरी का आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। ऑल 9 to 10 डॉक्यूमेंट शुड बी रेडी फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन। ये बोल रहे हैं कि हम जो है 9 to 12 वालों के लिए जो है बहुत ही जल्द जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, इसलिए आप सभी जो है इसके लिए तैयार रहिए, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार का त्रुटि पाई जाती है तो आपका एक गलती जो है बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब पर सेम नेम है तो ठीक है, नहीं है तो करवा लीजिए, उसको एफिडेविट बनवा लीजिए, या जितने भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गए ये सब बनवा के रेडी रखिए, ठीक है ना। जाति आवासीय आय जो भी हो, NCL सबको बढ़िया से एक जगह इकट्ठा कर लीजिए खोज खाज के, तो ये सब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बहुत ही जल्दी से होने वाली है, बहुत ही जल्द होने वाली है। और फिर यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद में, 9 to 12 कंप्लीट होने के बाद में जल्द ही प्राइमरी को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। प्राइमरी में इसलिए लेट होगा क्योंकि प्राइमरी में स्टूडेंट ज़्यादा है, इसको लास्ट में ही रखे हैं, क्योंकि 9 to 12 वाले में स्टूडेंट सब कम है, इसको पहले करके ख़त्म कर देना है, फिर जाके आपको प्राइमरी में धीरे धीरे होते रहेगा। इसमें भी एक प्रोसेस है BEd वर्सेज DLED वालों के लिए, तो BEd वर्सेज DLED वालों के लिए जो बातें हैं तो उसमें देखिए अब क्या होता है, मेरिट साथ में निकालते हैं या अलग अलग, ठीक है ना। अगर साथ में निकालते हैं तो वे क्या करेंगे, बीएड वालों को जो है रिजल्ट पेंडिंग में डाल देंगे, और डीएलएड वालों को जो है जल्द ही निकाल कर उनका घोषित कर देंगे, बट कट ऑफ हाई चल जाएगा, ठीक है ना। अगर बीएड वाले शामिल होते हैं तब, अगर बीएड वालों के लिए कोई स्पेशल बात निकल के सामने आती है कि हाँ आप लोग को जो है स्टेट का एग्जाम चल ही रहा है, वो क्वालिफाई कीजिए, फिर आपको फॉर्म भराएगा या फिल्टर किया जाएगा, कुछ किया जाएगा, तब जाके आपको डीएलएड वाले जो है सीट बचेंगे, 80,000 के सीट पर डीएलएड वाले, तो डीएलएड में जितने क्वालिफाइंग मार्क्स भी ला रहे हैं, जितने पासिंग हैं, उन सभी का हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही था फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये बहुत ही बिग अपडेट निकल के सामने आ रही है अतुल प्रसाद सर के द्वारा कि आपका जल्द ही जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा, और पल पल की खबर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, इसीलिए इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं रखते हैं, फिर देखना वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।